शास्त्रीय उपनिषद में इन शब्दों में व्यक्त किया है, जिसका मैं यहाँ पे अभी आपके सामने जिसे मैं यहाँ पे प्रस्तुत करूंगा और आपकी फिर उन पंक्तियों के बारे में जब आप एक बार मनन करेंगे तो आपको एहसास होगा कि किस गौरवशाली विरासत के आप हिस्से रहे हैं। तैतरीय उपनिषद इसके बारे में कहता है, जो अपनी डिग्री प्राप्त करने के पहले भारत के हर उस स्नातक से अपेक्षा की जाती थी कि उसे किस प्रकार का अपना आचरण बनाना है, तो यह अपेक्षा होती थी सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायानाम प्रमद सत्यान प्रमिततव्यम धर्मान प्रमिततव्यम कुशलान प्रमिततव्यम भूत्वे न प्रमिततव्यम स्वाध्यायानाम प्रवचनाभ्याम न प्रमिततव्यम देव पितृ कार्याभ्याम न प्रमिततव्यम मातृ देवो भव पितृ देवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव यान वंधानि कर्माणि तानि सिमितव्यानि। यानी सत्य बोलना, धर्म का आचरण करना, स्वाध्याय में प्रमाद न करना यानी कोई आलस्य न करना, सत्य से न हटना, सत्य के मार्ग से न हटना, धर्म के मार्ग से न हटना, कुशल कार्य में किसी भी प्रकार के आलस्य यानी प्रमाद से बचना, महान बनने के अवसर से न चूकना, पठन पाठन के कर्तव्य में कभी भी आलस्य न करना, देवता यानी देव और पितरों के कार्यों से भी आलस्य न करना, यानी जो हमारे यज्ञ श्राद्ध आदि के कार्यक्रम होते हैं या जो हमारे अलग अलग क्षेत्र के कर्तव्य हैं उनसे किसी भी प्रकार से प्रमाद न करना, माता को पिता को अपने गुरुजनों को और अपने किसी भी उस अतिथि को देवता के स्वरूप सम्मान देना और अन्यान्य दोष रहित कार्यों को करना, यह हर डिग्री प्राप्त करने वाले हर स्नातक से एक अपेक्षा भारत की ऋषि परंपरा यानी भारत की परंपरा यह अपेक्षा रखती थी। और जब इस प्रकार के स्नातक हम देते थे तो भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में विश्व गुरु के रूप में स्थापित था।